चलिए दिल्ली से इस वक्त की अगली बड़ी खबर मिल रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है, किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है, भारत बंद के दौरान शांतिपूर्ण रहेगा प्रदर्शन। इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि किसानों को अभी भी उम्मीद है कि सरकार उनके पक्ष में कोई बड़ा फैसला लेगी। जो रास्ते बंद हैं अभी वो एम्बुलेंस के लिए खुले रहेंगे, आपात स्थिति में खुले रहेंगे और शादियों के लिए भी। 8 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक भारत बंद का ऐलान किया गया है आंदोलनकर्ताओं द्वारा। दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। हालांकि साफ तौर पर कहा गया है किसानों द्वारा कि ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा और आपातकाल की व्यवस्था या एम्बुलेंस को लेकर खास तौर पर रास्ते खुले रहेंगे। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है और किसान लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दे। चलिए उत्तर प्रदेश से हमें इस वक्त अगली खबर मिल रही है, सीधा नजर डालेंगे लखनऊ से जानकारी। कांग्रेस एससी विभाग में 3 नई नियुक्तियां हुई है। जानकारी के अनुसार 3 अलग अलग क्षेत्रों के वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। इनमें जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें है राम सचिवन निर्मल, पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। वही तनुज पुनिया को सेंट्रल उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। योगी जाटव वेस्ट यूपी के वर्किंग प्रेसिडेंट बने रहेंगे। 3 अलग अलग क्षेत्रों के वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस के एससी विभाग में। ये 3 नई नियुक्तियां की गई है। वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में ये 3 नाम निकलकर सामने आए हैं, राम सजीवन निर्मल, तनुज पुनिया और योगी जाटव। अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस ने वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किए हैं एससी विभाग में।